हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भरत के डॉग्स में। तो ये हमारे मवेशी हैं दोस्तों, अभी घास चरने के लिए आए हुए हैं और सामने देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। यहाँ लेपर्ड के छुपने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और साथ में ये हमारे भोटिया डॉग डब्बू और गोली भी हैं, एकदम गार्ड मूड पे हैं। कहीं भी कुछ भी दिख जाए तो एकदम रेडी हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा कि भोटिया डॉग जब गार्ड पे होता है और उसके मवेशियों के अगल बगल बगल जानवर आ जाता है तो फिर वो क्या करता है। तो जैसे कि इस वीडियो में देख पा रहे होंगे दोस्तों, आपकी एक हिरन बैठा है नीचे पत्थर पे। तो डब्बू गोली ने उसे देख लिया है, अब वो उसे अपने मवेशियों से दूर भगाएंगे। भोटिया डॉग की यही पॉलिसी होती है दोस्तों, मरो मारो या फिर उसे हमारे मवेशियों से दूर भगाएगा। यह गार्डिंग एबिलिटी भोटिया डॉग के ब्लड में होती है दोस्तों, उसे कोई भी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये उसमें पैदा होते ही उसके अंदर ये गुण आ जाते हैं। तो डब्बू गोली अभी इसे काफ़ी दूर तक मवेशियों से दूर लेके जाएंगे। दोस्तों भोटिया डॉग काफ़ी समझदार होते हैं, ऐसे नहीं कि ये इसके पीछे भाग रहे हैं तो अब इसी के पीछे भागते रहेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसे काफ़ी दूर तक भगा के आएंगे और फिर से वो दोस्तों फिर से वो अपने मवेशियों के साथ मिल जाएंगे यहाँ पे। तो दोस्तों आपको भी जंगल या फिर एडवेंचर का शौक़ है और फिर आप ये जानना चाहते हैं डब्बू गोली का सामना किस किस से होगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे ऐसे ही कंटेंट आते रहते हैं। दोस्तों उसे काफ़ी दूर भगाने के बाद वो लोग वापस आ रहे हैं। ये आ गया है डब्बू और गोली भी आ गई है। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया था कि ये उसे भगाने के बाद फिर से ये हमारे जानवरों को ज्वाइन कर लेंगे।